ये मेरा फ़ोन है और ये इस फ़ोन के लिए कवर जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। आपको मार्केट में हज़ार कवर्स अलग अलग कलर्स और डिज़ाइन में मिल जाएंगे और कुछ तो बहुत ही अतरंगी डिज़ाइन, जैसी आपकी पसंद हो वैसा कवर आपको मिल जाएगा। सच्ची बताऊँ, मुझे ये सिंपल कवर्स ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत डिज़ाइन पसंद नहीं है। ट्रांसपेरेंट कवर्स येलो हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, आपको बहुत सारे खरीदने पड़ते हैं या बार बार खरीदने पड़ते हैं। बीच वाला जो पार्ट है वो येलो नहीं होते, बट ये साइड वाले पार्ट तो बहुत ज़्यादा येलो या ब्राउन हो जाते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बट एक कवर का डिज़ाइन है जो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो है टीयर डाउन डिज़ाइन, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बात करूँ इस कवर का, इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 2500 कवर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतना पैसे स्पेंड करना मतलब सेंस बनता है एक कवर के लिए। बचपन में जब भी मुझे कुछ खेलने के लिए नहीं मिलता था या कोई टॉय था जो मुझे चाहिए था बट वो महंगा था और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था या मैं नहीं खरीद सकता था, तो मैं DIY कर लेता था। मुझे ये वाला काफी अच्छा लग रहा है और ये मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई अच्छा मिले तो। ये सर्च करने से आपको भी मिल सकता है अगर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो। यहाँ पे भी है iFixit की तरफ से कुछ, और कुछ आपको वॉलपेपर भी मिल जाते हैं, तो अगर आप ऐसा वॉलपेपर भी चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये लाइन आर्ट वाला है, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो ये था ये मुझे बेस्ट डिज़ाइन लग रहा है, तो इसका मैं प्रिंट आउट कराना चाहूँगा। रेडिट पे मुझे ये एक्सरे वाला भी दिखा, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसका ही प्रिंट आउट कराना चाहूँगा। प्रिंट तो ले रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है, बट मेरे गांव में जो भी प्रिंट हुआ मैं लेके आ गया। जिसमें हम फोटो प्रिंट करवाते हैं ना, उसमें प्रिंट करवाना पड़ेगा अगर अच्छा चाहिए तो। अगर ये अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मैं वो वाला प्रिंट कराऊंगा, बट अभी मैं इसको चेक करना चाहता था। भाई कवर तो आ गया, मैंने इसको पहले ही फाड़ दिया था। ये रहा कवर, लुक्स गुड, जैसा चाहिए था वैसा ही है। देखो भाई ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई लाइक दिस, मैं इसको रखूँगा। वाइट वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम ये डिज़ाइन पसंद आ गया था। अगर आपको ऐसा कुछ भी करना हो अपना, ऐसे ट्रांसपेरेंट कवर लेके और उसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो पीछे, तो अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है तो मैं बोलूँगा कि जो अंदर का प्रिंट है वो अगर कोई अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर से करवाया जाए, जहाँ पे ग्लॉसी प्रिंट वाला एक होता है या जहाँ पे स्टिकर्स बनते हैं वहाँ पे अगर आप प्रिंट कराओ तो काफ़ी अच्छा प्रिंट निकलेगा, और उसको जब आप बैक कवर पे के नीचे लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आई होप कि ये जो बैक कवर काफ़ी चीप है, ये 150 का बैक कवर है, ठीक है, तो इसका ये पार्ट येलो ना हो, आई होप ऐसा ना हो। हो भी सकता है, अगर होगा तो कोई बात नहीं, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। जब मैं वापस दिल्ली जाऊंगा तो मैं भी इसको अच्छे से एक बार प्रिंट कराऊंगा जो अंदर का है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो मैं ये सारी चीज़ें ध्यान रखूंगा कि मेरे को साइड से थोड़ा चौड़ा रखना है या साइड से थोड़ा और रखना है, जिससे थोड़ा साइड में भी कवर हो जाए। प्रिंटर वाले भैया को बोल, जो प्रिंट कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई डायमेंशन एकदम वैसे ही रखना, A4 पे ही पूरा फुल ऑन प्रिंट निकलना चाहिए, कोई भी लाइन इधर से उधर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने बताया था बट शायद उनको अच्छे से समझ में नहीं आया या मैंने मिस कम्युनिकेट किया, जो भी गड़बड़ थी थोड़ा सा उन्होंने रीसाइज कर दिया था, छोटा कर दिया था, क्योंकि ये डार्क ही है और मेरा फ़ोन भी डार्क है तो ये काम चल जा रहा है। बट अगर मेरा फ़ोन किसी और कलर का होता, ये जो डिज़ाइन है अगर ये उस कलर से मैच नहीं कर रहा होता तो साइड में लाइंस दिख रहे होते और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट अभी तो ये मुझे बहुत ही सही लग रहा है।